अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का दो दिवसीय जिला कार्यशाला का आयोजन जय श्री विनायक जरारिया गार्डन में प्रारंभ हुआ। जिन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण नहीं हुआ उन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के उद्देश्य को लेकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष आदेश जावरी ने बताया कि कार्यशाला उद्घाटन सत्र में हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप गौर, प्रांत संगठन मंत्री दयाल, प्रांत सचिव मूलचंद साद, अहिप विभाग अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष जगवीर राजवंशी, विभाग आईटी सेल प्रमुख विनोद कसार, नर्मदापुर जिले के जिला अध्यक्ष राजेश चौक से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भागीरथ पटेल जी मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहे। जिला कार्यशाला में जिला समिति, तहसील समिति, खंड समिति, ग्राम समिति, वार्ड समिति में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए उपस्थित रहे। वर्ग महाप्रबंधक मोहित जावरे ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला दो दिवसीय है। प्रथम सत्र प्रदीप जी गौर भाई साहब ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। तहसील अध्यक्ष सतीश सराठे ने बताया कि प्रशिक्षण लेने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस से बचने के नियमों का पालन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में बनखेड़ी की 53 पंचायतों से कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए आए, पिपरिया तहसील से 30 पंचायतों के कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेने के लिए हैं, सुहागपुर से 20 पंचायतों के कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेने आए, सेमरी वावई से 20 पंचायतों के कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन के विस्तार को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के भर्ती अभियान की तैयारी भी इसी वर्ग के द्वारा की जाएगी। वर्ग प्रभारी मनोहर पटेल, गोलू कुशवाहा, हर्ष शर्मा, वर्ग व्यवस्थाओं में नीरज पठारिया शामिल रहे। नेहरू से पूछता था क्या देश का विभाजन होगा, तो जनता से पूछती थी तो गांधी जी, नेहरू जी कहते थे इस देश का विभाजन नहीं होगा। गांधी जी कहते थे इस देश का विभाजन मेरे जीते जी नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं को विश्वास था नेहरू जी पर, गांधी जी पर, उन पर भरोसा करते थे, देश के नेता थे। जब गांधी जी निकलते थे तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, ऐसा विश्वास था जनता को। अंग्रेजों को भी लगता था कि इस देश का अगर कोई नेता है तो ये मोहनदास करमचंद गांधी है। इसलिए जब जनता ने पूछा तो उसको बिल्कुल विश्वास हो गया। तब श्री गोलवलकर गुरुजी थे, उन्होंने बोला था कि कुछ भी हो सकता है, तैयारी करो। लेकिन जब 1947 को 15 अगस्त को जब हम आजादी का जश्न बोलते हैं, 14 अगस्त की रात को जब इस देश का विभाजन हो गया, लाखों हिंदुओं का कतलेआम शुरू हो गया, उसके पहले से हो गया था, हिंदू मर रहा था, लुट रहा था, जिसने गांधी और नेहरू पर विश्वास किया वो मर रहा था, लुट रहा था, कट रहा था, बलात्कार हो रहा था, उनकी संपत्ति छीनी जा रही थी, और जिनको उन पर विश्वास नहीं था वो पहले ही पाकिस्तान, पता चल गया था कि यहां पाकिस्तान बनने वाला है, तो वो अपने परिवार को लेकर नए भारत के अंदर आ गए थे। तो 1947 में देश का विभाजन हुआ, विभाजन में 10 लाख हिंदुओं का कतलेआम हुआ, उसका कोई जिम्मेदार है तो नेहरू गांधी, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को विश्वास दिलाया था कि देश का बंटवारा नहीं होगा। अगर आज कोई हिंदू संगठनों पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी बात मानते हैं, उन हिंदू नेताओं की कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, उस पर भरोसा कर लेंगे तो 20 साल बाद भारत की धरती पर क्या होने वाला उसकी कल्पना कर लो। और वो हम दो नहीं, हम एक के तीन तीन चार चार बीबी, हम पांच, हमारे 25। तो 20 साल बाद हिंदुस्तान की आबादी के आधार पर हिंदू मुस्लिम जनसंख्या बराबर बराबर हो जाएगी। ब्रिटेनिया 50-50 का आता कि नहीं, विज्ञापन 50-50 यानी कि तुम और हम बराबर, फिर क्या होगा? जिस शहर के अंदर आज जो कार्यक्रम है क्या है ये कार्यक्रम? राष्ट्रीय बजरंग दल की पिपरिया जिले की कार्यशाला आयोजित हुई है, ये 26 तारीख से आज 27 तारीख तक। क्या उद्देश्य है इस कार्यशाला का? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदू नौजवानों को संस्कारित करना, अपने धर्म संस्कृति के प्रति जागरूक करना, और देश की वर्तमान जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन गई हैं, जैसे लव जिहाद का मामला है, धर्मांतरण का मामला है जी, हर मामले में हिंदू समाज प्रताड़ित हो रहा है, और हिंदू समाज के साथ अत्यंत तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण करते हुए और हिंदू को पीछे किया जा रहा है हर चीज़ में। हिंदू समाज की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और लव जिहाद से बहन बेटियों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं को इस कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया है। समाज में जाके किस प्रकार से हमें काम करना है, किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों की रक्षा करना है, कैसे हमारे मान बिंदुओं की रक्षा करना है, इस हेतु ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। आपका नाम? जी मेरा नाम आदेश जावरे है। आदेश जी क्या दायित्व है आपका इस जिले का? जिला अध्यक्ष का दायित्व है मेरा।
अभी लव जिहाद का मामला चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनके आदेश का सम्मान करता हूं जिन्होंने लव जिहाद का ये पूरा कानून बनाया है। तो लव जिहाद में जो जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि जो कानून बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उस कानून से इस पर अंकुश लग पाएगा? सभी लोग इस पर अमल करेंगे तो अंकुश लगेगा और शासन प्रशासन थोड़ी सी कड़ाई करेगी। लव जिहाद की आजकल बहुत लव जिहाद बहुत चल रहा है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय परिषद का हर एक कार्यकर्ता हमेशा तत्पर है। अगर ऐसी घटना हमें सुनाई देती है तो हम उस पर अर्जेंट एक्शन लेते हैं और उसका जो जैसा करता है उसको कानून हवाले करते हैं। अभी आपके संगठन के द्वारा लव जिहाद के कुछ मामले ऐसे आए हैं उनको जिसमें आपने घर वापसी की हो या उसका समाधान किया हो? जी अभी तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बनखेड़ी में आएगा थोड़ी तत्पर। खबर भारतवर्ष के लिए बनखेड़ी से कमलेश नामदेव की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।